और अब राम मंदिर से जुड़ी हुई खबर पर गौर करते हैं, जहां राम जन्मभूमि को लेकर कल साधु संतों की बैठक हुई और इस बैठक में कई मामलों पर विचार हुआ। वहीं मामले को लेकर राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा है कि प्रचंड बहुमत की सरकार के बाद अब सरकार का पहला काम राम मंदिर का निर्माण ही होना चाहिए। अयोध्या में संतों की बुलाई गई बैठक में दास ने कहा कि वे इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को देंगे कि इस विषय में योगी और मोदी दोनों मिलकर काम करें। अयोध्या में संतों की बैठक खत्म हो चुकी है, तमाम निर्णय हुए हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या सबसे बड़ा निर्णय हुआ इस पूरी बैठक में? ठीक है, सबसे बड़ा निर्णय यह हुआ है कि जब 15 तारीख को पूरे भारतवर्ष के सम्मानित संत यहाँ पर एकत्र होंगे, तो हिंदू जन भावनाओं को देखते हुए उन जन भावनाओं को कैसे प्रधानमंत्री तक पहुँचाई जाए, इस पर एक सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। और इस बीच न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान करते हुए न्यायालय को भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भावनाएं हैं पूरे देश में राम मंदिर को लेकर, उस भावनाओं का एक बार संतों के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रकटीकरण होना आवश्यक है, ऐसा ही। क्या आपको लगता है कि जो देश की भावना है, संतों की भावना है, वो प्रधानमंत्री नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जानते होंगे, ऐसा इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? जन भावनाओं, अगर हम हिंदू जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम हिंदू भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम उस भावनाओं को बार बार समाज के सामने, देश के सामने और देश के नेतृत्व के सामने लाएं। जब आप जान ही रहे, उन्हें पता ही है, तो बार बार रखने से क्या फायदा होने वाला? मतलब इसको एक आंदोलन का सिर्फ रूप देना चाहते हैं आप? तो उनकी बात नहीं है, मुख्य बात यह है कि जब अपनी बात के लिए लोकतंत्र में, समाज में अपनी बात को बार बार रखना पड़ता है, बार बार उसके लिए उसके पीछे दबाव बनाना पड़ता है, बार बार उसके पीछे गंभीरता और वजन लाना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं उसी प्रक्रिया का ही हिस्सा है। कोई प्रधानमंत्री अवगत हैं, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री को और हम लोग अवगत कराएंगे, बार बार अवगत कराएंगे, और हमारे आराध्य का जब तक मंदिर बन नहीं जाएगा तब तक हम लोग इस प्रयास में लगे रहेंगे। सर, अगर राम मंदिर के मुद्दे पर बार बार भारतीय जनता पार्टी को पिंच करना पड़े प्रचंड बहुमत के बाद, तो फिर दूसरी सरकारों में इसमें फर्क क्या है? इसमें भारतीय जनता पार्टी और किसी पार्टी की बात नहीं है, जन भावनाएं संत समाज को उद्वेलित करती हैं, और संत समाज अपने आराध्य के मंदिर का न बनने के कारण उद्वेलित होते रहते हैं, और उसे बार बार प्रकटीकरण करेंगे कि यह बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि हमारे आराध्य का मंदिर नहीं बन रहा तो हम उद्वेलित हो रहे हैं। 15 तारीख को की बैठक में क्या आप कह रहे? 15 तारीख की बैठक में पूरे संत समाज के सभी प्रतिनिधिगण यहाँ पर अयोध्या में पधारेंगे, और उसमें निश्चय ही यह कोई निर्णय होगा कि जिसको लेकर कोई सार्थक और बड़ा कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।